बस बच्चे के कागज बना के मुझे दे दे, मैं केस बनाकर जल्दी जल्दी करवा दूंगा। जी जनाब। सुनो जी। क्या? मैं क्या कह दी, कुछ बात करनी थी आपसे। बैठो ना। हाँ बोल। मैं ना सोच रही थी कि अपनी शाजिया का निकाह हम रब्बी से क्यों नहीं कराते, बेटी घर के भी पास रहेगी, क्यों, कैसा लगा आपको? वो जो तू शाजी के यहाँ मिल के आई थी उसका क्या? उनके पास तो कोठी भी है, मारुति भी है। अरे लानत मारो शाजी पर, क्या करता है उनका बेटा, दुकान ही तो चलाता है। और हमारा रब्बी, हाय उसकी तो सरकारी नौकरी लगने वाली। एक काम करो तुम ना, कल सुबह जाकर दीदी से पूछ लो कि कैसे। मेरी बहन आफिया का रिश्ता लेकर के आई थी, और वैसे भी आफिया बड़ी है, और उसके होते हुए मैं शाजिया का निकाह कैसे कर दूं? एक बात कान खोल के सुन, निकाह होगा तो मेरी शाजिया का, वरना मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, अपनी बेटी को भी ले जाऊंगी। करते रहना जो करना है तुमको, कभी नहीं सुनते हो मेरी बात। कमाल करते हो मम्मी आप भी, भीड़ इकट्ठा कर रखी है खामखा। धीरे बोल, बाहर लोग आएंगे। क्या धीरे बोल, आपने इनको बुलाया ही क्यों है? मैं वही कह रहा हूँ, जो मेरे को ये करना नहीं है तो आपने भीड़ इकट्ठा। अरे बहुत बहुत मुबारक आपको जी, वाह जी वाह। मम्मी क्या है ये सब? बहुत मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ओए तू भी आ गया नोटों का हार लेके। जुम्मे लगी अब आपकी आंटी, एक अच्छी सी लड़की देख के इसकी शादी करवा दो। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। पठानकोट से भी आया। ये चाय पार्टी बता दो मम्मी, मुझे नौकरी शौकरी नहीं करनी।